सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को खून से लिखा हुआ पत्र भेजा गया है। मगर इस पत्र में जो लिखा है वो ये सवाल पैदा करता है कि क्या झूठ को यदि खून से लिख दिया जाए तो वो सच हो जाता है। जी हाँ, ये मसला बड़ा दिलचस्प है और पूरे देश में एक बहुत ही ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को इंडिया शब्द से इतनी ज़्यादा तकलीफ और बौखलाहट क्यों हो गई है। जी हाँ, ये नया कारनामा देखने लायक है। अच्छा, आपको एक बात पता चली कि नहीं, दिल्ली से गरीबी अदृश्य हो गई है। जी हाँ, इसे जुमला मत समझिएगा, बिल्कुल सही बात है, अदृश्य हो गई है गरीबी दिल्ली से। थोड़ी देर बाद पूरा मामला आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही देश की महिलाओं को लेकर एक विशेष चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जो आपका दिल दहलाने के लिए काफी है। और सवाल होगा कि कहां गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, किस दुनिया में खोए हुए हैं। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, गोदी मीडिया के टॉप 10 लपड़ झंडिसों में से एक है। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये खुद ही खुद को एक्सपोज करते हुए दिख रहे हैं और पूरे अपने सिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, बड़ा झूठ एक्सपोज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की नाय से उतरकर भागने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है दिन पर दिन। इस पर भी बात करेंगे। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, वो भी तब तक जब तक आप जनता हमारे साथ है। आए दिन वीडियोज के साथ क्या क्या हो रहा है ये सब आप जानते ही हैं। कल से लगातार फोन आ रहे हैं कि वीडियो चल नहीं रही है, बाकी सारी वीडियो चल रही हैं, दूसरे चैनलों की वीडियो चल रही हैं, लेकिन आपने जो नया वीडियो अपलोड किया है वो प्ले ही नहीं हो रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है YouTube की कोई तकनीकी खामी हो या फिर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बार बार आपसे अपील की जाती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए, लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट भी किया करिए। इसके साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले उस खबर पर चर्चा कर लेते हैं जो इस वक्त पूरे भारत में सबसे बड़ी होनी चाहिए मगर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाया होगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ट्रेन में सीट के नीचे खून से लथपथ एक महिला पुलिसकर्मी का तड़पता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो ऐसा था कि हर किसी के लिए देख पाना नामुमकिन था। वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए रात के 9 बजे चीफ जस्टिस ने एक बेंच तैयार की और इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। घायल सिपाही का इलाज चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जल्द से जल्द जांच पूरी करके आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का आदेश दिया है। मगर सवाल यह है कि कार्यवाही करने के लिए पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तब तक इंटरनेट पर हमें इस मामले से संबंधित किसी भी गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई थी। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में महिला सिपाही भी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा? वैसे महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्या क्या होता है ये आप सब जानते हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान ऐसा कोई राज्य नहीं जहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हो। मणिपुर में पिछले दिनों क्या क्या देखने को मिला है ये आप सबने देखा है। मगर कहीं ना कहीं असुरक्षा हद से ज्यादा है और ये बात तब और ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है जब सरकारें खुद ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए महिलाओं के दोषियों और हत्यारोपियों को रिहा करने लगती हैं। वोट पाने के लिए अपराधियों को जेल से छोड़ना कोई नई बात नहीं है। अब इस खबर को जरा ध्यान से देख लीजिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मधुमिता की बहन को जान से मारने की धमकी, जिस शूटर ने बहन की हत्या की थी उसने 6 बार कॉल करके धमकाया है। अमरमणि की रिहाई की खबर तो आपको मिल ही गई होगी। इससे पहले ही यानी 24 अगस्त को संतोष राय नाम के किसी शूटर ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को जान से मारने की धमकी देते हुए 6 बार फोन किया है। अब निधि शुक्ला यहां वहां जान बचाते हुए फिर रही है, पुलिस को शिकायत भेजा है, कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही RTI लगाकर यूपी सरकार और राज्यपाल से अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का आधार मांगा है, पूछा है कि किस आधार पर इन्हें रिहा कर दिया गया है। मगर सारी कहानी सुनने के बाद रिजल्ट वही निकलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नियमों कानूनों को ताक पर रखकर किस तरह से ताकतवर लोग राजनीति साधने और वोट की राजनीति करने के लिए कभी गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर देते हैं, बाद में उनसे चुनाव प्रचार करवाते हैं, उन्हें लड्डू खिलाते हैं और फूलमाला पहनाई जाती है। उसी तरह की कहानी उत्तर प्रदेश में भी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अमरमणि जैसे लोगों की कहानी सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। अमरमणि जैसों को हर एक राजनीतिक दल ने खाद पानी देकर सींचा है, सपने उसे बड़ा बनाया है और जिस पेड़ को सारी पार्टियों ने सींचा है उससे निकलने वाले फल को सभी ने सत्ता के रूप में खाए हैं और खिलाए भी हैं। लेकिन इन सब में आम जनमानस कहां है? क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, रोते हुए बिलखते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए। उधर यूपी कांग्रेस का कहना है कि सरयू एक्सप्रेस में दरिंदगी का शिकार हुई लड़की से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात की बात जैसे ही सामने आई यूपी कांग्रेस के मुख्यालय सहित पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्या पीड़ित बिटिया से मिलना जाना गुनाह है? वैसे आपको याद होगा हाथरस कांड में किस तरीके
से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ क्या क्या बर्ताव किया गया था, उन्हें रोकने के लिए जबरिया उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। अब जरा इस घटना को ध्यान से देख लीजिए। बिहार के सहरसा से खबर आई है कि नाबालिग मुस्लिम बच्ची के साथ एक स्कूल के डायरेक्टर का बेटा लगातार 2 साल तक घिनौनी हरकतें करता रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि साल 2017 से 2019 तक हमारे स्कूल के डायरेक्टर के बेटे ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही इस मामले में एक महिला स्कूल टीचर भी शामिल थी। महिला टीचर ही बच्ची को कमरे तक ले जाती थी और कमरे की लाइट बंद करके बाहर से दरवाजे में ताला लगा देती थी। इस दौरान लड़की ने अपना नाम दूसरे स्कूल में लिखवा लिया और बाद में वो पटना पढ़ने चली गई। लेकिन पीछे उसके साथ जिस तरह की हैवानियत हुई थी उसके दिमाग से वो बातें निकल नहीं पाई थी और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। नतीजा ये हुआ कि उसकी तबीयत लगातार खराब होने लगी। पटना में जब उसे भर्ती कराया गया और जांच हुई तो पूरी बात सामने आई। इस खबर के अनुसार इस मामले में पीड़ित का बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपी को पटना से ही गिरफ्तार कर लिया था और महिला टीचर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि कितना पैसा लेकर छोड़ा गया है इस महिला टीचर। पीड़िता लड़की का यहां तक कहना है कि डायरेक्टर का बेटा आज भी किसी न किसी बच्ची के साथ वही कर रहा होगा जो उसने मेरे साथ किया था। सोचकर देखिए समाज कहां जा रहा है। सोशल मीडिया पर उस बच्ची का इलाज के दौरान का एक वीडियो भी कथित तौर पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें किसी बच्ची की आवाज सुनी जा सकती है जो बदहवास स्थिति में बोल रही है कि सर मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे कपड़े मत निकालो, मैडम मुझे छोड़ दो। और आसपास खड़े परिवार के लोग उसे समझा रहे हैं कि बेटा हम हैं, तुम्हारे भाई हैं, कोई और नहीं है, डरो मत। थोड़ी देर के लिए इस बच्ची और उसके परिवार वालों की मना स्थिति के बारे में सोचकर देखिए वो किस तरह का जीवन जी रहे होंगे। अब गोदी मीडिया के उन सैकड़ों लपट झंडिसों से जरा पूछिए कि एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची के साथ 2 साल तक इस तरह की घटना का मामला सामने आया है, इस घटना को वो लपट झंडिस कौन से जिहाद का नाम देंगे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ खुलकर लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने बुलंदशहर की इस खबर को शेयर करते हुए पूछा है कि आखिर ये कब तक, कब रुकेंगी ये घटनाएं, आखिर कब तक महिलाएं सुरक्षित होंगी। यूपी बुलंदशहर में हैवानियत की हद पार, चलती कार में छात्रा से 4 दरिंदों ने किया। बाकी इस तरीके की इतनी ज्यादा खबरें पूरे देश भर से आए दिन आती हैं कि सुन सुनकर दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। और उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब अलग अलग सरकारें अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे दुर्दांत लोगों को रिहा करने लगती हैं और बाद में उन्हें लड्डू खिलाया जाता है, माला पहनाया जाता है। अब पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र की, इसके बाद सुधीर चौधरी और मध्य प्रदेश की बात करेंगे। पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि बीजेपी समेत एक खास विचारधारा के समर्थकों ने उस टिप्पणियों को दूसरा रूप देना शुरू कर दिया और उसे प्रचारित करना शुरू कर दिया। पहले तो बीजेपी के कई सारे नेताओं ने कहना शुरू किया कि सनातन धर्म को मानने वालों को मारने की बात हो रही है, नरसंहार की बात हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है, उन्हें मिटाने की बात की जा रही है। और अब वो तथाकथित बाबा लोग सामने आए हैं जो आए दिन हेट स्पीच को लेकर चर्चा में रहते हैं और पुलिस का नाम सुनते ही सक पका के गायब हो जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं। अब उन तथाकथित बाबाओं ने उदय निधि स्टालिन की बातों में मुसलमान भी घुसा दिया है और ISIS भी घुसा दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं इनकी कोई भी बात मुसलमान पाकिस्तान के बिना खत्म नहीं होती है, तो एक बार फिर से इस मामले में भी मुसलमान का तड़का लगा दिया गया है। यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने शिष्यों के खून से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। अब लोग सोशल मीडिया पर यह भी पूछ रहे हैं कि शिष्यों का खून क्यों लगाया, अपना क्यों नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन पत्र में क्या लिखा है इसे सुन लीजिए। इस पत्र में ISIS और दयानिधि स्टालिन के कारनामों पर ध्यान देने के लिए गुहार लगाई गई है। लिखा है कि ISIS भारत के इस्लामिक जिहादियों को हिंदुओं को जलाने और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे रहा है, यही इस्लाम की सच्चाई है और उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लोग सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि अपनी पूरी ताकत इसके लिए लगा रहे हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार आगे इस पत्र में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी भारत की संवैधानिक संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता उन लोगों के इन लक्ष्यों और कृत्यों की अनदेखी कर रही। आगे लिखा गया है कि ये सभी संस्थाएं उन हिंदुओं को कुचलने में लगी हैं जो दुनिया को इस्लाम की सच्चाई बताकर मानवता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। नरसिंहानंद ने लिखा है कि हिंदुओं को कुचला जाता रहे और उन्हें इस्लामिक जिहादियों के हाथों मरवा दिया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे ही न्याय समझता है? और साथ ही ये भी अनुरोध कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे अवमानना न समझे। वैसे एक बात ध्यान देने वाली है, नरसिंहानंद ने इस पत्र में लिखा है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये सब हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत का गोदी मीडिया पिछले 10 साल से लगातार 24 घंटे जहर फैलाता है और एक धर्म को खतरे में बताता है, दूसरे को आतंकवादी बताता है, तो फिर ये किसके खिलाफ काम हो रहा है? बाकी न्यायपालिका लगातार हेट स्पीच को रोकने, उसे कम करने की बात कर रहा है,
फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। न्यायपालिका क्या कार्य कर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। जैसे ही दंगों को रोकने के लिए कोई पुलिस अधिकारी एक्शन ले लेता है, समय से पहले एक्शन लेके दंगों को रोक देता है, तो उस अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कार्यपालिका क्या कर रही है ये आप देख ही रहे हैं। बाकी नेता लोग क्या कर रहे हैं ये भी आप सबके सामने है। अब आप कल्पना करके देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के भीतर उन बुराइयों को समाप्त करने की बात कही जो एक इंसान को इंसान होने की अनुमति नहीं देती, यानी कि जाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, ये वो बुराइयां हैं जो भारतीय समाज को बांट कर रखती हैं। इनको समाप्त करने और इन्हें मानने वाली विचारधारा को समाप्त करने की बात कही गई, मगर नरसिंहानंद जैसे नफरतबाजों ने इसमें मुसलमान घुसा दिया। ये बात कल्पना से भी परे है कि जब बात एक धर्म में जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत को लेकर हो रही हो तो उसमें दूसरा धर्म कहां से घुस गया भाई। मगर चूंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस मामले पर असली वाली बात सत्ता समर्थित लोग सामने नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें नुकसान होगा वोटों का। पिछले दिनों एक और तथाकथित नफरती बाबा उदयनिधि स्टालिन के तस्वीर में तलवार घुसाकर उसको जलाता हुआ नजर आया था। खबर यह भी है कि इस तथाकथित बाबा ने उदयनिधि के सर पर 10 करोड़ का इनाम रखा है। पहली बात तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनके पास 10 करोड़ है कि नहीं। और सोचने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने सच में 10 करोड़ की लालच में उदयनिधि स्टालिन पर हमला कर दिया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वैसे इस तरह के बाबाओं को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी बोला करते हैं। मुझे याद नहीं पिछले कुछ सालों में इन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए और कितना बड़ा बोलापन दिखाया, मगर जब काम करने की बात आती है तो बाबा दावा हो जाते हैं। इस मामले पर पूर्व आईएएस सूर्यप्रताप सिंह ने लिखा है कि जब बहस छेड़ ही दी है तो पाखंडियों सुनो और उत्तर दो। ब्राह्मण भ्रष्ट भी हो तो भी पूज्य है, शूद्र श्रेष्ठ होने पर भी पूज्य नहीं सनातन ग्रंथ। और आगे कुछ श्लोक वगैरह लिखते हुए कहा है कि अर्थात चारों वर्णों को होना जरूरी है, समाज में ब्राह्मण मार्गदर्शन के लिए चाहिए ही। जन्म आधारित श्रेष्ठता, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत सनातन के कलंक हैं जो सदियों से चलकर आज भी विद्यमान है। आप जबरदस्ती धमकियों से डराकर लोगों को किसी मत को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वैसे बताया यह भी जाता है कि कुछ जगहों पर इस तरह की बातें भी लिखी हैं कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की औरत के साथ यानी पत्नी के साथ कुछ गलत करता है तो कुछ पैसे देकर उस पाप को, उस कृत्य को मिटाया जा सकता है, उसे क्षमा दी जा सकती है। मगर यदि कोई दलित उल्टा वही काम कर दे तो फिर उसके लिए मौत की सजा है। ये बात मैंने ओशो की जबानी सुनी थी, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो यह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह न्याय संगत नहीं हो सकता। हर वो चीज जो एक दूसरे को छोटा या बड़ा दिखाए, जो जन्म के आधार पर हो, जो भेदभाव का कारण बने, जो इंसान को इंसान समझने से रोके, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन चूंकि असली बात सामने ना आए इसलिए उसमें मुसलमान घुसा दो, आईएस घुसा दो, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि क्या झूठ को खून से लिख देने से वो सच हो जाएगा। और इस तरह के तथाकथित बाबा आए दिन जिस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करते हैं एक विशेष धर्म के खिलाफ, क्या वो किसी आईएस से कम है, किसी आतंकवादी संगठन से कम है? और क्या उसका नुकसान भारत में किसी आतंकवादी संगठन से कम हो रहा है? आए दिन कभी गाय के नाम पर किसी नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया जाता है तो कभी कोई मोहित यादव उसी जहर का शिकार होकर ट्रेन के आगे कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। यदि नफरत से घटी हुई घटनाओं को, दंगों में मारे गए लोगों को एक साथ रखा जाए, उनकी संख्या गिन ली जाए तो शायद उतना नुकसान भारत को आतंकवाद से कभी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा कि आतंकवाद ठीक है, लेकिन ये दोनों ही भारत के लिए खतरनाक है, ये दोनों ही भारत को बर्बाद करने वाले हैं, इन दोनों को समाप्त करने की जरूरत है। उधर G20 सम्मेलन को लेकर एक अलग ही कहानी सामने आ गई है। इस पर सुप्रिया सनेत ने लिखा है कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखना पीएम मोदी की बौखलाहट नहीं बल्कि सनक है। वो इंडिया से घबराते हैं ये तो हमें पता था, पर इतनी नफरत की देश का नाम ही बदलने लग जाएंगे ये उनकी दहशत है। अब तो एक नाकाम तानाशाह जिसके हाथ से सत्ता जाने वाली है उसकी छटपटाहट देखकर तरस आता है। वैसे एक चीज और आपको गौर से देख लेनी चाहिए, एडवोकेट MM धेरा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि देखिए एक झटके में दिल्ली से गरीबी मिट गई है। आप लोग भी देख लीजिए, गरीबी मिटाने का ये मास्टर स्ट्रोक आइडिया है शायद दुनिया के किसी नेता के पास नहीं होगा। अमेरिका से आ रहे बाइडेन चाचा को चाहिए कि वो भारत से ये तकनीकी सीख कर जाएं और हो सके तो गरीबी ढकने के लिए लगाए गए पोस्टरों और बैनरों के बगल में खड़े होकर विश्वगुरु टाइप के नेताओं के साथ सेल्फी भी ले लें और जाकर अपने देश में दिखाएं कि देखिए भारत का जुगाड़ कितना तगड़ा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। और अमेरिका में भी इसी तरह के पोस्टर बैनर लगाकर गरीबी ढकने, गरीबी छुपाने का प्रयास करना। गरीबी को कम करने, उसे हटाने में समय लगता है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, और इस रास्ते पर चलकर बड़ी आसानी से पोस्टरबाजी करके सब कुछ छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। दिल्ली से गरीबी अदृश्य हो गई है, इसकी आप सभी को एडवांस में बधाई। कुछ साल पहले जब ट्रंप भारत आए थे तब भी गुजरात से ऐसी खबरें सामने आई थी, और उससे भी कुछ साल पहले खबर चल रही थी कि गुजरात में गरीबी है या नहीं है। गुजरात अमेरिका लंदन को पीछे छोड़ रहा था, 2014 की बात कर रहा हूं। बहरहाल आप अक्सर एक चीज सुनते होंगे उन लोगों की जबान से, एक खास विचारधारा वालों की जबान से, कि जहां पर
मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है, हिंदुओं की आबादी कम होती है, वहाँ पर हिंदू रह नहीं पाता है, खदेड़ दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये कहकर लोगों के बीच, हिंदुओं के बीच भय पैदा करने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि मुसलमान संख्या बल पर हावी हो जाता है और इसी आधार पर कहा जाता है कि आने वाले सालों में जब मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी तो भारत इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि इसके उलट जहाँ मुसलमानों की संख्या कम होती है हिंदू ज़्यादा होते हैं वहाँ मुसलमान एकदम सुरक्षित होती हैं, और इसके उलट ये भी बताया जाता है कि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम होती है हिंदू ज़्यादा होते हैं वहाँ मुसलमान एकदम सुरक्षित होते हैं, एकदम शांति रहती है, कोई दंगा वगैरह नहीं होता। यूँ तो सुधीर चौधरी जहर फैलाने के लिए मास्टर माने जाते हैं, मगर अपने कार्यक्रम में उन्होंने अपने ही जहर के खिलाफ कुछ तथ्य सामने रख दिए और बताया कि जिन जिलों में मुसलमानों की आबादी 20% से कम है यानी मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहाँ दंगे हुए, और जहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है जहाँ पर मुसलमान अधिक संख्या में हैं वहाँ पर 0 दंगे हुए। यानी कि वीडियो में सुधीर चौधरी खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं और जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है वहाँ शांति ज़्यादा है, वहाँ दंगे होते ही नहीं हैं। सुधीर चौधरी ये भी बता रहे हैं कि जिन 15 जिलों में 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ पर साल 2021 में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब ये तथ्य सामने रखने के बाद उन्हें डांट फटकार लगी होगी या फिर क्या क्या हुआ होगा, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अब जरा सी बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। एमपी में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मगर आए दिन खबरें आ रही हैं कि टिकट पाने के लिए भाजपा के विधायक और पूर्व विधायक पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पूर्व मंत्री तक जा रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस में जाकर शामिल हो जा रहे हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार भाजपा के 31 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इनमें से 1/4 सिंधिया समर्थक हैं, यहां तक कि पूर्व मंत्री ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। खबरें इस तरीके की भी चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ही अपने लोगों से कह दिया है कि मैं बीजेपी में आ तो गया हूं लेकिन मेरी कहीं कोई पूछ नहीं है, इसीलिए जिसको जहां जगह मिले अपना अपना देख लो भैया, खुद को सेट कर लो। चर्चा यह भी चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रास्ता ढूंढ रहे हैं घर बदलने का, मगर उन्होंने पिछले कुछ सालों में इतना छीछा लेदर मचा दिया है कांग्रेस के खिलाफ कि वापसी करने के लिए मुंह नहीं बचा है। इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, वहां मुंह की जरूरत नहीं होती। हमारे पास इन चीजों का कोई सबूत नहीं है, मगर चर्चा खूब चल रही है और ये बातें अत्यधिक मजबूत तब लगने लगती हैं जब सिंधिया के बेहद करीबी लोग भी जाकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, चुनाव से कुछ महीने पहले यदि वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, जिला पंचायत सदस्य ये सब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश पर आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोज में चर्चा होती रहेगी। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटा बजाइएगा और वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।